The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक को कई लोग कार्डियक अरेस्ट मान लेते हैं और कई लोग समझते हैं वो एक बराबर है, लेकिन वो एक बराबर नहीं है। हार्ट अटैक के वजह से कार्डियक अरेस्ट होता सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है वो आज हम जानेंगे, वो क्यों होता है अभी जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सो कार्डियक अरेस्ट बेसिकली का इसका मतलब होता है कि हार्ट धड़क नहीं रहा है, हार्ट रुक चुका है। तो हार्ट रुक जाना कार्डियक अरेस्ट है। रुक जाएगा तो ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा, खून जो है आपके दिमाग तक नहीं जाएगा, किसी ऑर्गन तक नहीं जाएगा और आपके ऑर्गन्स मरना शुरू होंगे, फेल होना शुरू होंगे। और दिल रुकने के बाद दिमाग अगले 30 सेकेंड के अंदर अंदर दिमाग में परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ हाइपोक्सिक डैमेज। अगले कुछ मिनटों में अगर आपका हार्ट शुरू नहीं किया गया या नहीं हो गया तो आपकी डेथ होनी पक्की है, समझ रहे हैं? सो कार्डियक अरेस्ट कैन लीड टू डेथ। और ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर लोग जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है दे डाय, जी हाँ, उन्हें नहीं बचा पाते ज्यादातर लोगों में, क्योंकि वो कुछ मिनट बहुत कीमती होते हैं। जितना यंग उतने चांसेस हैं वापस आने के, जितना ओल्ड उतने कम चांसेस। सो कार्डियक अरेस्ट है क्या और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब हार्ट के किसी एक हिस्से को खून जाना बंद हो गया है। खून जाना, हार्ट के हिस्से को खून नहीं जा रहा, वहाँ क्लॉट आ गया, वहाँ नस बंद हो गई है, तो उस हिस्से को खून नहीं जा रहा। तो वो हिस्सा जो है, मान लीजिए ये दो उंगली, यहाँ हार्ट के ये पार्ट को खून नहीं जा रहा, तो वो दो हिस्से काम करने बंद हो जाते हैं, वो हिस्सा बाकी काम करता है, राइट? अगर वो हिस्सा बहुत बड़ा है तो ही हार्ट रुक जाएगा। ज़रूरी नहीं है लेकिन हर हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट होगा, लेकिन हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक? सो लेकिन हार्ट अटैक में भी कार्डियक अरेस्ट सिर्फ इसके वजह से नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल नसों की प्रॉब्लम की वजह से। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल नसें होती हैं जो हार्ट की रिदम कंट्रोल करती हैं, कि पहले ऊपर वाला धड़केगा तो नीचे वाला भरेगा, फिर नीचे वाला धड़केगा खून बाहर जाएगा। तो ये ऐसे 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 चलता है, ये भरता है, ये भरता है, ये धड़कता है, खून बाहर जाता है। जब इलेक्ट्रिकल ब्लॉक होता है तो ये धड़कने की जगह एक चीज़ होती है VF, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी नीचे का वेंट्रिकल धड़कने की जगह सिर्फ ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो जब वो नहीं धड़कता, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करने लग जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है, तो धड़कन होती नहीं है। तो धड़कन नहीं होती है तो इस सिचुएशन में आपको डिजीनेस होगा, बेहोश होंगे, चक्कर आएगा, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी या ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा और आप बेहोश भी हो सकते हैं। और तुरंत फिर उसके बाद, अगर आपको तुरंत रिवर्ट नहीं किया गया, रिवर्ट का मतलब इसको शॉक देना पड़ता है, शॉक थेरेपी से या इससे, तो आपका हार्ट रुक सकता है। हार्ट रुका, आप बेहोश, आपका बीपी जीरो, धड़कन जीरो, ये दिक्कत है। सो वी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और हार्ट ब्लॉक भी होता है। हार्ट ब्लॉक का मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच का कनेक्शन कट, पूरा कट। तो ऊपर वाला अलग धड़क रहा है, नीचे वाला अलग धड़क रहा है, हार्ट रेट इतनी कम है 30-20 कि हार्ट ना के बराबर चल रहा है और रुक सकता है एनी टाइम, उसके वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रॉब्लम के वजह से होता है कार्डियक अरेस्ट। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कई कारणों के वजह से हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जगह पे जाने वाली खून की नस बंद हो जाए, या उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहां की हार्ट का हिस्सा स्ट्रेच हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, खराब हो जाए, डेड हो जाए किसी कारण से। जैसे क्या क्या कारण? एक तो हार्ट अटैक है ना, कोरोनरी हार्ट डिजीज। एक होता है एक्चुअल जो वेंट्रिकुलर आपके जो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मान लीजिए वेंट्रिकल बहुत ही मोटे हो गए, बहुत ही बड़े हो गए, आपका एनलार्ज्ड हो गया, हार्ट ही पूरा आ गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसी भी कारण से,
राइट, वैल्वुलर हार्ट डिजीज के वजह से हो सकता है, वैल्व खराब हो जाए तो उसके वजह से हो सकता है, कुछ दवाओं के वजह से हो सकता है, दवाओं के वजह से भी आपने उल्टे सीधे दवा ले ली जिसके वजह से आपके वीटी वीएफ के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे दवा नहीं लेते। ड्रग्स के वजह से होता है, जो आप रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं, उल्टे सीधे ड्रग्स, टेस्टोस्टेरोन, स्टीरॉइड्स, राइट, कोकेन, हेरोइन, गांजा, चरस, इन सब के वजह से हो सकता है हार्ट रुक जाने का कारण, ठीक है। और एक कुछ जेनेटिक डिजीज भी होती है, किसी किसी के फैमिली में ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हाँ फैमिली में हिस्ट्री होती है कि अचानक कभी कभी हमारी फैमिली में कई लोगों के हार्ट जो है बिना किसी बीमारी बिना किसी कारण रुक गए, राइट। ऐसी एक ईसीजी पैटर्न बोलते हैं इसको, ब्रूगाडा सिंड्रोम बोलते हैं, ये फैमिली हिस्ट्री में होता है कुछ लोगों में, बहुत रेयर है लेकिन है। तो जेनेटिक्स भी एक रेयर डिजीज होती है, ठीक है, तो ये बात याद रखिए। इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज, सिवियर फिजिकल स्ट्रेस, कहीं भी सिवियर फिजिकल स्ट्रेस होगा, यानी मान लीजिए चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, बहुत बड़ी चोट लग गई, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, या फिर आपके बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक, ब्लड लॉस, चोट लग गई, ट्रॉमा हो, उसके वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है, समझ रहे। और अगर होगा तो उसको जानने का और कोई तरीका नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हार्ट रुक गया, पेशेंट बेहोश। सो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद इन एक सेकेंड, कुछ सेकेंड, जितनी जल्दी हो सके उसका कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR शुरू होना चाहिए, जो आप टीवी में देखते हो, छाती दबाना, छाती दबाना, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देना, वो तुरंत, जितनी जल्दी उतना अच्छा, राइट। और जितनी जल्दी शुरू होता उतने ही चांस होते हैं, अगर CPR से पेशेंट रिवाइव हो जाता है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, यानी अगर सर्कुलेशन उसका वापस आ जाता है, धड़कन शुरू हो जाती है, तो फिर टेस्ट किए जाते हैं कि ये हुआ क्यों था, हार्ट रुका क्यों था, तब किया जाते हैं आपके ब्लड टेस्ट, आपका ECG, शुगर, राइट, आपकी इकोकार्डियोग्राफी, राइट, इन्फेक्शन के लिए, अल्ट्रासाउंड, ब्लीडिंग के लिए, जो भी टेस्ट करने हैं वो सब उसके बाद करते हैं, कारण के लिए, किस कारण से हुआ होगा, राइट। और अगर बहुत देर हो गई इसमें, मान लीजिए कई लोगों का कुछ देर बाद 10 मिनट के CPR के बाद का हार्ट रिवाइव होता है, 20-25 मिनट के बाद तो फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है रिवाइव होने की, लेकिन 10 मिनट के बाद कई बार कुछ लोग 5 मिनट 10 मिनट के बाद रिवाइव होते हैं, ये 5 मिनट 10 मिनट में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, राइट। कई बार ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में डैमेज हो जाता है, राइट, पेशेंट ब्रेन डेड भी हो सकता है अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। सो हाइपोऑक्सिक, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाता, हाइपोऑक्सिक इस्चीमिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं इसको, दिमाग में ऑक्सीजन के बगैर कुछ देर में ही डैमेज हो जाता है परमानेंट। अच्छा, वो रिकवर होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा, कितना रिकवर होगा ये समय बताएगा, उसके बाद अगर पेशेंट ठीक रहा तो। और आपकी किडनी खराब हो सकती है, किडनी रुक सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी, बिल्कुल जैसे ये ऑक्सीजन नहीं मिला उसको इतने देर, 5 मिनट 10 मिनट, मल्टी ऑर्गन फेल हो सकता है, लिवर, किडनी, कोई भी चीज़, इन्फेक्शन हो सकता है आपको, आपके लंग में पानी भर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन। सो इसीलिए इसका एक्यूट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर ट्रीट हो गया और बार बार हो रहा है, किसी पेशेंट को बार बार हो रहा है, VTVF हो रहा है, बार बार हार्ट फड़फड़ा रहा है और हमें शॉक देके ठीक करना पड़ रहा है, या हार्ट रुक रहा है, हमें बार बार CPR करना पड़ रहा है, VTVF हो रहा है, CPR करना पड़ रहा है, शॉक देना पड़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम ICD, जो डिफिब्रिलेटर है, शॉक वाली मशीन, वो छोटी सी आती है जो पेसमेकर के जैसे, वो लगा सकते हैं, वो हार्ट के अंदर तार जाती है, वो सेंस कर लेती है हार्ट फड़फड़ाएगा तो वो शॉक देगी, हार्ट धड़कने लग जाएगा, इसे कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ICD, राइट। सो ये एक मशीन भी लगा सकते हैं, डिफिब्रिलेशन और CPR मेन ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन कुछ नहीं, हार्ट को हेल्दी रखना है, हार्ट के रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है तो ही प्रिवेंट होगा। सो ये हुई बात कार्डियक अरेस्ट की। हार्ट अटैक टोटली अलग चीज़ है, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, चेस्ट पेन, क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, इन सब पे वीडियोज़ हैं हमारे, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बाकी कार्डियक अरेस्ट पे ये जानकारी, आई होप आपको पसंद आई, समझ में आई, राइट। शेयर ज़रूर करिए इसे और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्यालात, आपके विचार, आपके सवाल। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।